सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन और आज के इस वीडियो में रिव्यू कर रहे होंगे पेस सीई मांड्या, पेस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग मांड्या की। तो पेस सीई हमारे मांड्या कर्नाटका में स्थित एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है जिसकी स्थापना 1962 में हुई थी। बात कर लें एनआरएफ रैंकिंग की तो 2023 में इन्हें 151 से 200 एनआरएफ इंजीनियरिंग रैंक बैंड के बीच रखा गया है। हर कॉलेज रिव्यू डॉक्टर आज की इस वीडियो में भी सबसे पहले इंटरनेट पर जितना भी डेटा अवेलेबल है लाइक प्लेसमेंट्स, एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ फी स्ट्रक्चर बहुत क्विकली डिस्कस करने के बाद आराम से इत्मीनान से कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ डिस्कस कर रहे होंगे। तो स्टार्ट कर ले प्लेसमेंट के साथ। हमारे पास 2022 का प्लेसमेंट डेटा अवेलेबल है जो कि पेस सीई ने एनआरएफ के पास सबमिट किया। तो इस एनआरएफ डेटा के हिसाब से 2022 में टोटल 717 स्टूडेंट्स ने बीटेक से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया जिसमें 630 स्टूडेंट्स आपके प्लेस्ड थे। तो अगर इस डेटा पर रिलाई करें तो सभी ब्रांचेस को मिलाकर आपका ओवरऑल प्लेसमेंट परसेंटेज 87.8% बन रहा होता है। इसी के साथ बात कर ले मीडियन सैलरी की सभी ब्रांचेस को मिलाकर तो 2022 का मीडियन सैलरी ओवरऑल मीडियन सैलरी 4.5 एलपीए रहा। तो इससे ज्यादा हमारे पास और कोई ऑफिशियल डेटा अवेलेबल नहीं है एनआरएफ की रिपोर्ट में। तो आगे हम देख रहे होंगे स्टूडेंट्स ने हमें क्या कुछ डेटा दिया है। तो अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स, अगर आप आईटी सेक्टर वाले कंपनीज में जा रहे हो या फिर कंप्यूटर साइंस वाले ब्रांचेस की अगर हम बात कर ले तो एवरेज पैकेज 7 एलपीए के आसपास स्टूडेंट्स ने बताया है। वहीं अगर आप मैकेनिकल जैसे ब्रांचेस से हो, अगर आप कोर कंपनीज में प्लेसमेंट ले रहे हो तो 6 एलपीए के आसपास स्टूडेंट्स ने एवरेज पैकेज बताया है जो कि मीडियन सैलरी के हिसाब से थोड़ा सा मुझे ज्यादा लग रहा है क्योंकि मीडियन सैलरी 4.5 एलपी है और अगर कोर ब्रांचेस की भी बात कर ले तो 6 एलपी थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है। बट खैर, आपको ऊपर ऊपर से आइडिया लग पा रहा होगा कि किस प्रकार के प्लेसमेंट्स लग रहे होंगे। और स्टूडेंट्स ने भी बताया कि अगर आप कंप्यूटर साइंस लाइक ब्रांचेस से हो तो 90% के आसपास प्लेसमेंट परसेंटेज हो जाएगा। धीरे धीरे जैसे जैसे आप नीचे आते हो तो एज यूजुअल जो भी आपको सिमिलर कॉमेड के या फिर केसीटी वाले कॉलेजेस में देखने को मिल रहे थे थोड़ा सा कम प्लेसमेंट परसेंटेज हो जा रहा होता है। अब एग्जैक्टली कितना प्लेसमेंट हो जाता है, कितना प्लेसमेंट परसेंटेज, वो सारे डिटेल्स हमारे साथ स्टूडेंट्स ने नहीं शेयर किए हैं। बट आपको ऊपर ऊपर से आइडिया लग गया होगा कि ज्यादा वर्थ इट तभी है अगर आप आईटी सेक्टर वाले कंपनीज में जा रहे हो या फिर आप आईटी सेक्टर वाले ब्रांचेस चुन रहे हो इस कॉलेज में। इसी के साथ स्टूडेंट्स ने यह भी बताया कि अगर आप मैकेनिकल वाले ब्रांचेस की भी बात कर लो तो उसमें भी लाइक 4 स्टूडेंट को अगर आपके कोर सेक्टर में जॉब लगा है तो 30 स्टूडेंट्स को आईटी सेक्टर में। तो इस प्रकार का प्लेसमेंट सिनेरियो रह रहा होगा। बात कर ले एडमिशन प्रोसेस की तो ऑल ओवर द इंडिया के स्टूडेंट्स आपके कॉमेड के यूजीईटी का एग्जाम दे रहे होंगे। कॉमेड के यूजीईटी में जो भी रैंक बनेगा उसके बेसिस पर कॉमेड के काउंसलिंग में आपको कॉलेजेस और ब्रांचेस अलॉट हो रहे होंगे। और जो भी स्टूडेंट कर्नाटका स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप चाहो तो केईएसईटी का भी एग्जाम दे सकते हो जो केसीईटी कंडक्ट कराता है। तो केईएसईटी में जो भी रैंक बनेगा उसके बेसिस पर केसीईटी काउंसलिंग में आपको कॉलेजेस और ब्रांचेस अलॉट हो रहे होंगे। और इन एनी केस अगर इन दोनों ही मोड्स ऑफ एडमिशन से आपका एडमिशन नहीं हो पा रहा है तो थर्ड ऑप्शन आपके पास मैनेजमेंट कोटा भी रहता है। बात कर ले कट ऑफ की तो हमारे पास कॉमेड के 2021, 22 और 23 ऑल इंडिया जनरल स्टूडेंट लास्ट राउंड क्लोजिंग रैंक के कट ऑफ के स्क्रीनशॉट अवेलेबल हैं। लाइक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग 2023 में क्लोज हुआ था 22,378 रैंक, 22,378 रैंक पर, और बाकी सारे ब्रांचेस की आप देख पा रहे हो। अब अगर आपको हर ईयर हर राउंड हर कैटेगरी कॉमेड या फिर केसीईटी का रैंक चाहिए, कट ऑफ चाहिए, तो आप शिक्षा के वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। बात कर ले फी स्ट्रक्चर की तो हमारे पास इंस्टीट्यूट हॉस्टल प्लस मेस का डिटेल्ड फी स्ट्रक्चर का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है। लाइक अगर हम बात कर ले पहले इंस्टीट्यूट फी के साथ तो बहुत सारे कैटेगरीज आपको देखने को मिल रहे होंगे और सभी में सेकेंड ईयर का हमें ऑफिशियल फी स्ट्रक्चर देखने को मिला है। सिमिलर आपका फी स्ट्रक्चर थर्ड और फोर्थ ईयर में भी रहेगा और फर्स्ट ईयर में जस्ट इससे थोड़ा सा और आप ज्यादा मानकर चल सकते हो। तो इस हिसाब से आप अपने 4 साल का फी स्ट्रक्चर, मैं इंस्टीट्यूट फी की बात कर रहा हूं, तो इस हिसाब से आप अपने 4 साल का इंस्टीट्यूट फी कैलकुलेट कर पा रहे होंगे। अभी हॉस्टल और मेस पर आएंगे तो इंस्टीट्यूट फी में देखो तो सबसे पहले कैटेगरी आपको मिल रहा है कि अगर आप अनएडेड कोर्सेज लेते हो मैनेजमेंट कोटा के थ्रू। अब अनएडेड और एडेड क्या होता है, तो बेसिकली आपको दो प्रकार के सीट्स देखने को मिलते हैं केसीईटी में, एक अनएडेड सीट और एक एडेड सीट। तो एडेड मतलब वो होता है कि उन सीट्स जिस पर गवर्नमेंट खर्चा कर रही है तो उनमें आपको फी थोड़ा कम देखने को मिलेगा, लेकिन वही कट ऑफ उनके थोड़े से ज्यादा बढ़िया, थोड़े से ज्यादा नीचे, मतलब बढ़िया रैंक पर क्लोज हो रहे होते हैं तो उनके लिए रैंक थोड़ा सा ज्यादा बढ़िया लाना पड़ रहा होगा। तो अनएडेड में आपका पैसा गवर्नमेंट नहीं लगाती है जिसका कट ऑफ थोड़ा ऊपर जाएगा और इसी के साथ फी स्ट्रक्चर भी ऊपर जाएगा, लेकिन वही एडेड के बारे में मैंने बता दिया। तो सबसे पहला कैटेगरी है मैनेजमेंट कोटा अनएडेड में, आपका पर ईयर इंस्टीट्यूट फी 1,74,000 लग रहा होगा। सिमिलरली आप कॉमेड के थ्रू अगर जा रहे हो अनएडेड कोर्सेज के लिए तो 2,04,603 रुपया सेकेंड ईयर का। इसी प्रकार आप बाकी सारे भी देख पा रहे हो। यहाँ सीईटी का मतलब केसीईटी है और अगेन केसीईटी का अनएडेड कोर्स का देख पा रहे हैं। फिर एससी एसटी से अगर बिलोंग कर रहे हो, एसएनक्यू से बिलोंग कर रहे हो, एसएनक्यू मतलब सुपर न्यूमरी कोटा, अनएडेड कोर्स का दिया गया है। अब अगर बात कर ले एडेड कोर्स की तो सबसे पहले वही मैनेजमेंट कोटा का एडेड, सीईटी का एडेड और आपका एससी एसटी का एसएनक्यू कोटा एडेड।
अब इसमें आपको एडेड में कॉमेड के देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि कॉमेड के पे अनएडेड और एडेड नहीं होता, कॉमेड के में सिर्फ और सिर्फ अनएडेड होता है, यानी कि जिसपे गवर्नमेंट पैसे नहीं लगा रही है। तो आप देख पा रहे हो सेकेंड ईयर का आपका इंस्टीट्यूट फी क्या है किस कैटेगरी के थ्रू। और इसी के साथ अगर हम बात कर ले कि हमारा हॉस्टल प्लस मेस फी कैसा है, तो आपके पास सिंगल, डबल और ट्रिपल शेयरिंग रूम्स अवेलेबल हैं, जिसमें हॉस्टल रूम रेंट प्लस मेस दोनों का ही फी आपके पास लगा हुआ है, जिसमें जो हमारा सबसे मिनिमम हो रहा होगा आपके थ्री सीटर रूम के लिए होगा पर ईयर 65,000, और वहीं सबसे ज्यादा आपका सिंगल सीटर के लिए होगा 69,000 हॉस्टल प्लस मेस दोनों मिलाकर पर ईयर। तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है सिंगल और डबल या फिर ट्रिपल शेयरिंग में, तो आपके ऊपर है आप किस प्रकार के रूम्स चुन रहे होंगे। बट हमारे जितने भी सिमिलर कॉमेड के और केसीईटी वाले कॉलेजेस हैं, उनसे कहीं ज्यादा हमें अफोर्डेबल रूम्स देखने को मिल रहे हैं, अफोर्डेबल हॉस्टल प्लस मेस भी देखने को मिल रहा है आपके पेस सी वाले कॉलेज में। तो फाइनली हम पहुंचते अपने कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ मोस्ट अवेटेड टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले इसी पॉइंट की तरफ स्टार्ट करना चाहूंगा कि हमारा पेस सी, पेस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, आपके 62 एकड़ कैंपस एरिया में एक अर्बन लोकेशन में काफी बेहतरीन तरीके से सिचुएटेड है। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में स्टूडेंट्स ने बताया कि टॉप नॉच क्वालिटी देखने को मिल रहा है, और खासकर स्पोर्ट्स की स्टूडेंट्स ने कुछ ज्यादा ही तारीफ की है। लाइक अगर मैं बात कर लूँ किस प्रकार के आपको फैसिलिटीज मिल रहे होंगे स्पोर्ट्स में, तो चाहे आपका बैडमिंटन कोर्ट हो गया, बास्केटबॉल कोर्ट, क्रिकेट ग्राउंड, फुटबॉल ग्राउंड, स्विमिंग पूल भी देखने को मिल रहा होगा। जी हाँ, अभी जितने भी हमने सिमिलर कॉमेड किया फिर केसीटी वाले कॉलेजेस रिव्यू किए, पहला कॉलेज मुझे मिला है जिसमें स्विमिंग पूल भी देखने को मिल रहा है, और इसी के साथ टेनिस कोर्ट, टेबल टेनिस, वॉलीबॉल, खो खो, कबड्डी और बहुत सारी चीजें, मतलब स्पोर्ट्स में स्टूडेंट्स ने बताया है कि अगर आप स्पोर्ट्स फ्रीक हो, गेम्स खेलना, स्पोर्ट्स आउटडोर इंडोर सब कुछ अगर आपको पसंद है, तो कॉलेज आपके लिए बहुत बेहतरीन रहने वाला है, अगर हम सिमिलर लीग के कॉमेड के और केसीटी कॉलेजेस के बारे में बात कर रहे हो। तो स्टूडेंट्स ने बताया है कि आपको हॉस्टल फैसिलिटीज एवरेज देखने को मिलेंगी, बहुत कुछ खास नहीं है, बट देख लीजिए जिस फी स्ट्रक्चर में आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, बहुत ज्यादा चीजें हम एक्सपेक्ट कर भी नहीं सकते। और जितना भी अभी तक हमने सिमिलर लीग के अगेन कॉमेड के और केसीटी कॉलेजेस देखे, बहुत कुछ हाई फाई क्वालिटी का आपको हॉस्टल्स देखने को नहीं मिल रहा होगा, सभी में एवरेज हॉस्टल्स ही देखने को मिले हैं। तो हॉस्टल में कुछ अलग एक्सेप्शन नहीं हो जाता, इसमें भी एवरेज हॉस्टल ही देखने को मिलेंगे, लेकिन बाकी सारे कॉमेड के केसीटी कॉलेजेस से अफोर्डेबल फी पर। मेस का फूड स्टूडेंट्स ने बताया कि उतना कुछ खास नहीं है, हर एक एवरेज मेस की तरह ठीक ठाक है, मतलब शुरू शुरू में आपको बढ़िया लगेगा, लेकिन 2-3 सप्ताह बाद फिर वही आपको बोरिंग होने वाला है। तो इस प्रकार का हर एक एवरेज मेस की तरह आपको एवरेज मेस का फूड भी देखने को मिल रहा होगा। अगर हॉस्टल फैसिलिटीज पर एक नजर और दौड़ाएं, तो बताया गया कि बॉयज के दो हॉस्टल है, जिसमें फर्स्ट ईयर का हॉस्टल आपके कैंपस से जस्ट 1 किलोमीटर दूर कैंपस से बाहर है, जिसके लिए प्रॉपर बस फैसिलिटी प्रोवाइडेड है, और जो आपका हॉस्टल है जो कैंपस से बाहर, वो भी आपके सेंट्रल बस स्टैंड के काफी नजदीक है, तो जिस प्रकार से भी आपको आना हो ज्यादा वैसे कुछ असुविधा नहीं हो रही होगी। इसी के साथ फ्रेंड्स ने हमें यह भी बताया है कि जो आपके कैंपस के आसपास में पीजी अवेलेबल है, एक तो कैंपस से बहुत नजदीक बहुत सारे पीजी हैं और काफी अफोर्डेबल रेट्स पर हैं, तो आप चाहो तो हॉस्टल में या फिर मेस का खाना अगर आपको पसंद नहीं आ रहा, फैसिलिटीज पसंद नहीं आ रही है, तो आप पीजी लेकर भी रह सकते हो। बट इन जनरल मेरा ओपिनियन यही रहता है कि अगर आप इंजीनियरिंग कॉलेज में रह रहे हो तो एक बार हॉस्टल लाइफ भी जरूर इंजॉय करना चाहिए, अगर बहुत कुछ खास नहीं मतलब डिसेंट एवरेज फैसिलिटीज भी मिल रही हैं तो भी एक बार हॉस्टल लाइफ जरूर इंजॉय करें, क्योंकि वापस से ये लाइफ दोबारा नहीं आ रहा होगा। बट बात वही है, जहां पर आपके दोस्त रहे वही आपका हॉस्टल बन जा रहा होता है, तो अगर आपके दोस्त पीजी में रह रहे तो पीजी में रहिए, वरना हॉस्टल के अपने कुछ प्लस पॉइंट्स हैं कि आपको घूमने फिरने के लिए ज्यादा एरिया मिल जा रहा होता है, थोड़ा सा फ्रीडम मिल जाता है पीजी कंपैरिजन में। बट वही अपने पीजी का एक और प्लस पॉइंट है कि पीजी में आपको कोई नाइट टाइम कर्फ्यू टाइम देखने को नहीं मिलता, मतलब इस कॉलेज का तो मुझे ऐसे देखने को नहीं मिला कि कर्फ्यू टाइम क्या है, लेकिन यूजुअली आपका रात का 9 बजे 10 बजे आपका हॉस्टल गेट बंद हो जा रहा होता है एक एवरेज कॉलेज, एक नॉर्मल से कॉलेज में, हॉस्टल की बात कर रहा हूं, लेकिन वही पीजी में आपको इस प्रकार के, यूजुअली पीजी में आपको कुछ भी ऐसे नाइट टाइम और कर्फ्यू टाइम देखने को नहीं मिल रहे होते, अनटिल एंड अनलेस आप किसी एक्सेप्शनल एक अजीब से एरिया में रह रहे हो जहां पर आपका पीजी ओनर कुछ नाइट टाइम या फिर कर्फ्यू टाइम लगा दे, नहीं तो यूजुअली पीजी में आपको नाइट टाइम या फिर कर्फ्यू टाइम देखने को नहीं मिल रहा होता है। तो फर्स्ट बॉयज हॉस्टल की तो हमने बात कर ली, सेकेंड बॉयज हॉस्टल बताया जा रहा है कि कैंपस के अंदर ही है, और उसी के साथ गर्ल्स हॉस्टल भी आपके कैंपस के अंदर ही है, तो सिर्फ और सिर्फ आपका फर्स्ट ईयर बॉयज हॉस्टल कैंपस के बाहर है। और अगर इसी के साथ हम और कुछ फैसिलिटीज के नाम ले लें, तो आपको लाइब्रेरी देखने में मिल रहा होगा, कैफेटेरिया, जिम, हॉस्पिटल, मेडिकल फैसिलिटीज, वाईफाई आपका इनेबल्ड कैंपस है, ऑडिटोरियम और बस फैसिलिटीज की हमने बात कर ही ली है। अब इसके अलावा मुझे थोड़ा सा बात करना है कि किस मोड में यहाँ पर किस लैंग्वेज में पढ़ाई हो रही होती है। तो स्टूडेंट्स ने बताया कि यूजुअली क्लासेस थ्योरीज आपके इंग्लिश में ही हो रहे होंगे, लेकिन जो आप लैब जब करने जाओगे तो लैब में अगर कुछ लेक्चर देना हुआ, अगर कुछ थ्योरी बताना हुआ, तो यूजुअली लोग लोकल लैंग्वेज कन्नड़ में बात कर रहे होते हैं,
तो अगर जो भी स्टूडेंट कर्नाटका स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं तो उनके लिए तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन बहुत सारे और जो ऑल ओवर इंडिया से स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट बन जाता है। लेकिन जैसा हम कट ऑफ देख पा रहे हैं उस हिसाब से जिस लीग के हमारे कॉमेड के वाले कॉलेजेस के लिस्ट में हमारा आ पा रहा है पेस सी, तो ज्यादातर स्टूडेंट्स हमें कर्नाटका से ही देखने को मिल रहे होंगे। अब इसका मतलब क्या है, तो जितने भी आपके कॉमेड के कर्नाटका वाले स्टूडेंट्स हैं उसमें आपको देखने को मिलेगा कि 45% सीट्स केसीईटी के लिए रिजर्व होते हैं, यानी कि 45% स्टूडेंट्स आपको किसी भी कॉमेड के केसीईटी वाले कॉलेजेस में कर्नाटका के ही देखने को मिल रहे होंगे। लेकिन वही अगर आपका कॉलेज कॉमेड के लिस्ट में टॉप 5 या फिर टॉप 10 में आता है तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि बाकी जो आपके स्टूडेंट्स बच गए ऑल ओवर द इंडिया के काफी अच्छे सारे स्टूडेंट्स आपके क्राउड में आ रहे होंगे। लेकिन जैसे जैसे हम नीचे आते हैं तो आपका ऑल ओवर इंडिया क्राउड धीरे धीरे कम होता है और कर्नाटका के स्टूडेंट्स ही ज्यादा मेजोरिटी में आ रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमें देखने को मिलता है कि रीजनल लैंग्वेज में ज्यादा सारी चीजें हो रही हैं, बट फिर भी स्टूडेंट्स ने बताया कि थ्योरी लेक्चर्स आपके इंग्लिश में हो रहे होंगे, कुछ लैब वाले क्लासेज आपके जो भी TA हो गए या फिर लैब अटेंडेंस हो गए वो सारे लोग आपके कन्नड़ में भी कभी कभार करा दे रहे होते हैं। तो अगेन कुछ थोड़े बहुत जो भी स्टूडेंट्स ऑल ओवर इंडिया से आ रहे हैं या फिर साउथ में ही और दूसरे दूसरे साउथ स्टेट से जो भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं थोड़ा सा उनके लिए नेगेटिव पॉइंट बन जाता है। वैसे अगर बात कर ले ओवरऑल मोटा मोटी कॉलेज किस प्रकार का है तो आपको कॉलेज लाइफ ये भी देखने को बढ़िया मिल रहा होगा, क्योंकि स्टूडेंट्स ने बताया कि आपका क्लब्स भी बढ़िया है, ठीक ठाक है, मतलब बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव नहीं है लेकिन डिसेंट आपको क्लब्स में एक्टिविटीज लाइक डांस फोटोग्राफी ये सारी चीजें देखने को मिल जा रही होंगी और इसी के साथ आपको वही डिसेंट एक कॉलेज फेस्ट भी देखने को मिल रहा होगा। समय समय पर स्टूडेंट्स ने बताया कि थोड़े बहुत कॉलेज इवेंट्स फेस्ट हो जा रहे होते हैं जिसके वजह से आपका एक ठीक ठाक एक कॉलेज लाइफ भी कट रहा होगा। तो ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा बोरियत होने वाली है लेकिन ये भी नहीं कि बहुत ज्यादा चिल करने वाले, डिसेंट से कॉलेज में आ रहे हो डिसेंट रहने वाला है जिसमें स्पोर्ट्स फैसिलिटी कुछ ज्यादा बढ़ चढ़कर बताएगी और हॉस्टल फैसिलिटी और मेस एक एवरेज हॉस्टल और मेस के तरह ही बताया जा रहा होता है। और जैसा कि मैंने बोल दिया कि ज्यादातर क्राउड आपको कर्नाटका का देखने को मिलने वाला है जिसकी वजह से कुछ कभी कभार लैब में चीजें आपके कन्नड़ में भी हो रही होती है। तो हमारा ओवरव्यू कॉलेज का आपके सामने रहा। अब जो भी स्टूडेंट्स पेस सी से इस वीडियो को देख रहे हो अभी तक का आपका अपना कॉलेज एक्सपीरियंस कैसा रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आपका अपना कॉलेज ओपिनियन हो, और आज की इस वीडियो में मेरे कुछ पॉइंट्स से सहमत या फिर असहमत हो, या फिर आपके पास एग्जैक्ट किसी ब्रांच का प्लेसमेंट डिटेल्स अवेलेबल है लेटेस्ट प्लेसमेंट डिटेल्स, तो कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना ना भूलें। और जो भी स्टूडेंट किसी दूसरे इंजीनियरिंग कॉलेज से इस वीडियो को देख रहे हो, अगर अभी तक आपके इंजीनियरिंग कॉलेज का वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल फॉर्म देखने को मिल जाएगा जिसमें आपके कॉलेज से रिलेटेड हर छोटे से बड़े डिटेल्स पूछ रखे गए हैं। तो उस गूगल फॉर्म को ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ फिल आउट करिए ताकि हमारे पास आपके कॉलेज से रिलेटेड हर छोटे से बड़े डिटेल्स अवेलेबल और आपके कॉलेज का वीडियो जल्द से जल्द बना सकूं। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दिल खोलकर करिएगा और अगर कुछ दिल की बातें कुछ मन बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।